लॉकडाउन को लेकर जो तमाम अधिकारियों ने व्यवस्थाएं कर रखी उन पर सवालिया निशान तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही चल रही है उसके चलते भयानक दुर्घटना और अजैसी घट सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि तमाम जो दृश्य, तमाम जो नज़ारा देख रहे हैं, दरअसल ये गोरखपुर का है। इससे पहले भी आपको औरैया की वो घटना याद होगी जब दर्दनाक मौत ने तमाम मजदूर मौत के आगोश में समा गए। आपको बता दें कि यात्री ने तमाम जो हैं वो फिलहाल एक दूसरे के घर में जाने के लिए उधर उधर तरस रहे हैं। इन सब के बीच में तमाम जो यात्रियों को तमाम प्रशासन है वो हर रोज़ यात्रियों को हजारों तादाद में शहर में इंटरव्यू हो रही, वह भी ट्रक या बस के जरिए। ट्रक के ट्रेवल बस अंदर बैठने के साथ ही ट्रक बस ट्रेवल के छतों के ऊपर भी यात्री बैठ कर यात्रा कर रहे हैं और तस्वीरें आप तमाम जो सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। लेकिन इन सब के बीच में गोरखपुर ज़िले में प्रवेश करने वाली यात्रियों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनसे देख कर आपकी रूह कांप जाएगी। और मंजर देखने के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों मौन है? कहीं एक और औरैया जैसी घटने का इंतजार तो नहीं करे? इनमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसी ही रही तो औरैया जैसी घटना घट सकती है। आपको बता दें कि गोरखपुर के नौसड़ से लेकर बालेसर जीरो पॉइंट कमिश्नर जयंत नालीकर और आईजी राजेश मोदक से मजदूरों को ट्रक पर भरवाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर मौजूद अधिकारियों की फौज के द्वारा कुशीनगर और बिहार के यात्रियों को ट्रकों पर चढ़वाया जा रहा। तस्वीरें गवाह है कि किस खतरनाक तरीके से मजदूर ट्रक पर चढ़ रहे हैं। अगर जरा सा हाथ छूटा तो मजदूर सीधा नीचे आ गिरेगा, लेकिन मौके पर मौजूद कुरान खुद इन्हें आराम से ट्रकों पर चढ़ने की सलाह दे रहे। इतना ही नहीं, हुई महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी आपाधापे में शामिल हैं, ट्रकों के आगे पीछे हैं ताकि इनकी किसी तरीके से थोड़ी सी जगह तपती धूप से इनको मदद मिल सके और वो अपने आप को गाँव पहुँच सकें। औरैया की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाएँ पुनरावृत्ति न हो, असुरक्षित तरीके से कहीं पर भी मजदूरों को न भेजा जाए। लेकिन यहाँ के कुरानों पर मुख्यमंत्री के फरमान का कोई असर नहीं दिखता। वो जल्दी से जल्दी इनको अपने जिलों की सीमा में दूसरे जिलों में भेज कर सुकून की सांस लेना चाहते हैं। मंडलायुक्त जयंत नारुलकर का कहना है कि आज जीरो पॉइंट पर कोई इस तरीके बस ट्रक आ गया है, जो आ रहे हैं उसे अगला जिला पड़ता है वहाँ सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन मंडलायुक्त को कह जरूर रहे हैं, पर तस्वीरें खुद गवाह है कि हुक्मरान कैमरे पे बात करते हुए कुछ और हैं, लेकिन गाड़ियों पर सवारी बैठे हुए तमाम लोगों को भेजते हुए आप दिख रहे हैं। फिलहाल दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए परिस्थितियों को लेकर। इसको लेकर तमाम जो मॉनिटरिंग सेल हैं वो भी निगरानी रखे हुए हैं। फिलहाल हम इन तस्वीरों के आधार पर अपनी बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि सुरक्षित रहें, सभी सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं हुआ तो ये तमाम भयावह स्थितियाँ कब रूप ले लेंगी इसके बारे में कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि सभी जो मजदूर हैं वो सुरक्षित घर पहुँचें। आता है तो हम ट्रक को सीज करेंगे और विधिक कार्रवाई करेंगे। जीरो पॉइंट के बाद आज कोई भी ट्रक नहीं आ रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि हमसे पहले के भी जो जनपद हैं उनकी पुलिस और उनके प्रशासन भी ये कार्रवाई कर रहा हो। उसी में सवाल ही, कल आप जब वहाँ मौके पर पहुंचे थे तो ट्रकों पर बहुत सारी भीड़ थी, औरतें बच्चे जो ट्रकों पर चढ़ रहे थे और प्रशासन तो उसको रोका नहीं जा रहा था उनको नहीं उसमें रहा था। उसमें देखिए एक वीडियो मुझे बताया गया है कि मैंने वीडियो तो नहीं देख पाया है, लेकिन उसमें मुझे बताया गया कि जिसमें मैं और डीआईजी साहब खड़ा हुआ हूँ खड़े हैं। देखिए क्या था, उसमें ट्रक पर लोग चढ़ रहे थे और जब हम लोग गए तो वो उसको हम लोग ने, क्योंकि भीड़ उस जीरो पॉइंट पर ज़्यादा थी तो हमने उसको ट्रक को आगे करके, क्योंकि यदि उसी वक्त लेबर को निकाला जाता तो पीछे से गाड़ी आके उनको हर्ट कर सकती थी, तो हमारा प्रयास ये था कि ट्रक को आगे ले जाया जाए, फिर श्रमिकों को उतारा जाए और पीछे जो हमारे स्कूल की बसेस खड़ी थी उसमें उनको ट्रांसफ़र किया जाए। अब उसमें शायद एक क्लिप ऐसी आई है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, ट्रक आगे जा रहा है चढ़ के, तो लोगों को लगा कि हमने उसको ग्रीन सिग्नल दिया। ये बिल्कुल असत्य है, हम ये शासन का आदेश है और मानवीय संवेदना भी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि मजदूर कहीं का भी हो, वो चाहे नेपाल का हो, चाहे वो बिहार प्रांत का हो, और हमारे प्रदेश का तो हमें करना ही है, हमें उसको सम्मानपूर्वक उसके घर पहुंचाने का पूरा प्रयास करना है। और जब सम्मानपूर्वक की बात आती है तो उसमें भोजन पानी और चिकित्सीय सुविधाएं भी होती हैं, और इसलिए वो जब ट्रक आगे जा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो वो प्रारंभिक क्षण का वीडियो है। बट आपके माध्यम से हम फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ट्रेन आज से, श्रमिक ट्रेन हमारी नोएडा और गाज़ियाबाद आनंद विहार साइड से भी बसेज आ रही हैं और ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा और चलेंगी। तो जो लोग यदि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्ट्रैंडेड हो रहे हैं उनके लिए अब ट्रेन चलेगी, वो दो श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर आएंगी, और ये तीन प्लेटफॉर्म और एक देवरिया का प्लेटफॉर्म खुलने से हमें आशा है कि और ज़्यादा हम श्रमिक को ला पाएंगे। एक और नंबर दो, जो बसेस की संख्या है वो और बढ़ाई जाएगी, जिससे कि लोग, देखिए श्रमिक ट्रक में आने में उसे मज़ा नहीं आता है, लेकिन
उसको एक ये सूचना मिलनी चाहिए कि हाँ उसके लिए ये व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो वो फिर उससे आएगा। और हमारा प्रयास अपने आसपास के जनपदों से समन्वय स्थापित करके यही रहेगा कि लोग बसेस से आएँ, सुरक्षित आएँ और सम्मान पूर्वक। क्या आपको सीज करेंगे? यस, बिल्कुल सीज करेंगे। आप बिल्कुल कल ही जब हम लोग वहाँ